गोरखपुर में 17 अक्टूबर से अखिल भारतीय रेलवे प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। यह प्रतियोगिता सैयद मोदी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के चुनिंदा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज सिंह ने बताया, 17 अक्टूबर से अखिल भारतीय रेलवे द्वारा 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर को होगा। उक्त प्रतियोगिता में कुश्ती समेत तमाम खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज सिंह ने कहा, भारतीय रेल स्तर की प्रतियोगिता होती है, इंटर रेलवे की प्रतियोगिता कबड्डी की, वो इस बार पूर्वोत्तर रेलवे होस्ट कर रहा है और सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में प्रतियोगिता होगी। 16 तारीख को एक मीटिंग होगी, 17 तारीख से औपचारिक शुरुआत 17 तारीख को ही होगी इस प्रतियोगिता की और 20 तारीख को इसका समापन होगा प्रतियोगिता का। और इसमें देश भर के जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे अर्जुन अवार्डीज हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं जो प्रो कबड्डी में खेलते हैं, इवन पूर्वोत्तर रेलवे की, जैसा अभी मैंने बताया कि 2 खिलाड़ी हमारे इंडियन टीम में थे जो टीम एशियाई खेलों में जीत के आई, वो दोनों खिलाड़ी भी पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से खेलेंगे। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ के गोरखपुर वासियों को देखने को मिलेगा, तो सभी से मैं अपील भी करता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, देखें और समझें किस प्रकार से कबड्डी यहाँ खेली जा रही है आज के समय में। इससे जो युवा टैलेंट है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या जो आसपास के क्षेत्र में कबड्डी के खिलाड़ी हैं या कबड्डी प्रेमी हैं, वो सब भी इस टूर्नामेंट में आकर देख सकते हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ खेल के गुण प्राप्त कर सकते हैं।